धमका के हम बात करते थे। आप जो भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर कोई भी दोषी अधिकारी कर्मचारी है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ तो हमारे ऊपर मतलब पहले हम जैसे जाते थे तो हमको चिल्लाते थे, बोलते थे तुमको क्या है, तो तुम इस चीज की रिपोर्ट लिखे, ताला लगा हुआ इसकी रिपोर्ट लिखे, ये वो हमको ही मतलब बाद में तो हम लोगों को बोल दिया था, बोले आपको अपना काम ढूंढे तो चले जाओ, हम सब ढूंढ लेंगे। हम बोलते थे कि जो अपराधी है वो सामने घूम रहा है तो उनको पहले पकड़ के पूछताछ करो, शायद अगर पहले से ही ये उनको पकड़ के और पूछताछ कर लेते तो शायद हमको सुरक्षित भी मिल जाते, थोड़े सुरक्षित मिलने का भी चांस था। लेकिन हमने बहुत लापरवाही बरती और 45 दिनों के बाद में मतलब उनको अपराधियों को मतलब एक को पकड़ा तो उसने बताया कि ये यहाँ पे करा ऐसा ऐसा तो हम इसमें संतुष्टि इसलिए नहीं है कि क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बताते हैं कि जिस रोज लेके गए उसी रोज मार लिया, तो हमको इसलिए संतुष्टि नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि उनको यहाँ से ले जाने के बाद में नहीं रखा, कहीं रखने के बाद में उनको मतलब वो क्या दुष्कर्म किया उनके साथ में, और जब मतलब पुलिस ज़्यादा तहकीकात करने लगी, हमने उनके ऊपर फोर्स डाला, हमने हेल्थ हेल्पलाइन में भी फ़ोन किया और फिर बात सरकार काम कर रही है, तत्काल आने से भी परिजनों की सीबीआई जांच की मांग हुई है। देखिए हमने सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए, अपराधी पकड़े गए, पकड़ने के बाद में पूरी विवेचना हुई है, विवेचना में एक एक हस्ताक्षर को संकलित किया गया है ताकि उनको सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार व अन्य लोगों की सीबीआई जांच की मांग है, उनका मानना है कि इस प्रकरण में और भी दोषी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, तो सरकार इस विषय में क्या विचार कर रही है? सरकार निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है, दोषियों को सजा दिलाने का काम कर रही है, जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएंगे। अभी तक जितने 7 अपराधी उसके अंदर पाए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं और उनके परिवार ने जो आवेदन दिया है, जो मांग की है, उस पर भी सरकार विचार करेगी। लेकिन आज की तारीख में जितने लोग अपराधी थे, पुलिस ने जो जांच की है और निष्पक्षता से जांच की है, जब भी तो पकड़े गए, निकले हैं अंदर और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको सजा दिलाएंगे। सर, गोंडवाना पार्टी का कहना है कि अगर 18 तारीख तक अगर सरकार इनकी पूरी मांग नहीं करती तो एक बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है 18 तारीख। अब देखिए आंदोलन करना राजनीतिक पार्टियों का काम है या कोई भी पार्टी वो करे, लेकिन आप खुद साक्षी हैं, पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि इस घटना में पूरी तहकीकात करके तो पकड़े गए, ये घटना किया गया ना। बिल्कुल, ये आगामी उग्र आंदोलन को लेके ग्राम के लोग भी भयभीत हैं कि इनके द्वारा कोई घटित घटना नहीं घट रही। नहीं, पूरी सुरक्षा करेगी सरकार और दोषियों को सजा दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई चल रही, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। सर, पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए हैं कि ये इनकी जो भी मांग थी वो मतलब निष्पक्षता से जांच नहीं की गई। अभी देखो आप लोगों को लगता है, पत्रकारों आपको लगता है कि निष्पक्षता जांच नहीं की गई, ईमानदारी से बताओ। नहीं सर, ये कांग्रेस का आरोप है, हम नहीं बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, विपक्षी पार्टी है जी, तो राजनीति तो कैसे की। लेकिन आप ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बोलो, निष्पक्ष जांच हुई कि नहीं हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, हुए और पकड़े गए, उन्हीं की निशानदेही पे पकड़े गए। बिल्कुल, अगर पुलिस निष्पक्ष नहीं होती तो ये कहां से खोद के निकाल के लाते? इसलिए आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, पूरी कैबिनेट ने इस घटना की निंदा की है और त्वरित निर्देश दिए अधिकारियों को और उसमें तत्काल उसी दिन 7 के 7 पकड़े गए जो जो भी लिप्त थे और उन पर कार्रवाई की गई है और उनको सजा दिलाएंगे, फांसी की वो छोड़ेंगे नहीं, और जो भी अपराधी होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।